आज मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो कई प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो आज सब मिलकर के संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ में नहीं फंसेंगे, उनकी नफरत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, महंगाई, रोजगार, उत्तर प्रदेश की खुशहाली, तरक्की, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करें, आज के समय पर कैसे रोजगार हो, कैसे नौकरी हो, उन्हीं मुद्दों पे लेकर के लगातार पार्टी का पक्ष हर प्लेटफॉर्म पे रखने का काम करेंगे। ये संकल्प हमारी समाजवादी पार्टी के डिजिटल कोर्स में लिया है। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री समाजवादी पार्टी का फैसला है, और साथ ही साथ उसके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ये दोनों संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था, फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप, और उसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लाख नौजवानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर लिया। उसमें कई उदाहरण हैं, कई ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने लैपटॉप समाजवादी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंधा शुरू कर दिया। मुझे जब बांदा में जाने का मौका मिला था तो बांदा में एक नौजवान अपने आप उसी समाजवादी लैपटॉप से काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था। मुझे वो भी समय याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक बेटी से लैपटॉप छीन लिया गया था, और अखबारों में छपा था कि जब लैपटॉप छीन गया उससे तो पूरे घर ने खाना नहीं खाया उस दिन। उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अलग से उसको लैपटॉप भिजवाने का काम किया था। अभी जब मैं मिर्जापुर गया था तो उस बेटी और उस परिवार से मैं मिला था। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार करेगी, और एक लोगों पर FIR दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है, उस व्यक्ति पर FIR जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी। और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए, अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे ला सकते हो तस्वीर, ले आओ एक बार। तो भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, झूठ बांटने वाला कोई नहीं, और उन्हीं के लोग उस झूठ पे भरोसा भी करते हैं। सरकार बनने के बाद नहीं, FIR तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। ये सुनना चाहते थे आप, क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक FIR नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर इनके नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती घर मकान ढूंढते हुए। और जब उत्तर प्रदेश के DGP पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म होगी उनकी, इससे क्या है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी देकर के आएगी, एक तहरीर देगी कि जिन्होंने इस तरह का किया है, जो धाराएं बनती हो उसके खिलाफ कार्रवाई। वैसे भी अखिलेश जी एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था आज के समाचार पत्र, पहले फोटो देख लो इसी से जुड़ा हुआ है, लाल टोपी के साथ में उन्होंने दिखाया है
एक तरफ तरक्की है और दूसरी तरफ जो है फॉक्स मनी दी जा रही है आपकी पीरियड में। ये सरकारी पैसे से ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा एड में लगाया जा रहा है, हमारा आपका पैसा भी एड में लगा करके हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा है। आवाज नहीं आ रही। समय आने पर उसके लिए भी कार्रवाई होगी। वाला स्पीकर बंद हो गया। सवाल ये है राज्य महिला आयोग की जो आज आंकड़े जारी किया गया है उसका पालन करेंगे जैसे ही आचार संहिता लगेगी। भैया आवाज नहीं आ रही है। वाला स्पीकर बंद हो गया है। बंद हो गया है। और भैया माइक के पास बात ना करो, किसी सुन लो, आपस में बात कर रहे हो। नहीं आई ना। अब आवाज आ रही है? नहीं आई। नहीं आई भैया। वो वाला सर अरे यार दोबारा ये क्या सुनना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही। सवाल ये था कि महिला आयोग सेंट्रल कमेटी ने अभी आंकड़े जारी किए हैं, उसमें 30,000 में आधे 16,000 सिर्फ यूपी से दर्ज में सिर्फ एक साल में। भारतीय जनता पार्टी जिस समय एनसीआरबी के आंकड़े देखेगी, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। इस बार जाने वाली है बीजेपी का पता ही नहीं लगेगा कहां गई बीजेपी। शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सम्मान देना चाहता हूं। वो अब धरना देना बंद करें, अपमानित होना बंद करें। ये सरकार उन्हें अपमानित करेगी, लाठी मारेगी। वो यहाँ से जाएं, अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं। अभी तक जो बड़े आयोजन किए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए स्टेडियम में नहीं किया। और मुझे याद है कि ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास रहा है, क्रिकेट के तमाम वहां पर इंटरनेशनल मैचेस होते थे। एक समय ऐसा आया कि वहां पर इंटरनेशनल मैचेस होना बंद हो गए। उन्हें इंटरनेशनल मैच अगर किसी ने कराए तो समाजवादी सरकार की देन है। और साथ ही साथ लखनऊ में भी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम मिला है क्रिकेट का और इसके साथ साथ तमाम और स्पोर्ट्स का भी। और मुझे वो दिन भी याद है जब हॉकी का जो हमारे भारतीय हमारा हॉकी अपना खेल है और उसका वर्ल्ड कप होना था, उसके लिए संसाधन जुटाने थे और संसाधन जुटाने के साथ साथ समय के हिसाब से एस्ट्रोटर्फ लाइट और चीजें बदलनी थी। पहले वहां ग्रीन एस्ट्रोटर्फ था, क्योंकि आजकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ये है कि वो ब्लू एस्ट्रोटर्फ पे होंगे। तो ग्रीन एस्ट्रोटर्फ को हटा करके ब्लू एस्ट्रोटर्फ और पूरा का पूरा ग्राउंड कैसे लाइट लग जाए कि रात में भी मैच हो, फ्लड लाइट लगा करके वो मैचेस कराए गए थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। उनके अलावा 69,000 के अलावा जो परीक्षाएं रद्द हुई है शिक्षकों की, टीटी है, बीपीएड वाले लोग हैं, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग वाले हैं, बीएड वाले हैं, 69,000 वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र 5,000 जिनकी जान चली गई, अनुदेशक हैं, बड़ी संख्या में इस सरकार ने शिक्षा विभाग को उलझा के रखा है, नौकरियों को उलझाया। समय समय पे छात्र नौजवान तैयारी करके आते थे, जैसे तैसे अपना किराया कैसे रुकेंगे वो इंतजाम करते थे, परीक्षा देने आते थे और पता लगता था कि परीक्षा रद्द होगी, पेपर लीक हो गया। जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुए। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। अखिलेश जी, आज इलेक्शन कमीशन बड़ी रैली तो रोक भी लगा सकता है, वर्चुअल कैंपेनिंग के लिए आप लोग क्या प्लान? समाजवादी पार्टी ने लाखों लाख लैपटॉप बांटे थे, डिजिटली तैयार हैं। संसाधन कम होंगे लेकिन फिर भी इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से इस बार चुनाव जीतने का काम करेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए,
वो इंतजार करना है कि तारीख कब आएंगी, और तारीख आते ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया होना शुरू होगा। ये झूठ बोलने वालों को, नाम बदलने वालों को बताइए, बीपी रावत जी का कौन सम्मान नहीं करता? किस देश का कौन व्यक्ति है जो सम्मान नहीं करेगा? मैनपुरी में बहुत सारे शहीद लोग हुए, एटा, मैनपुरी, गाजीपुर, राजनगर, मुजफ्फरनगर, ये तमाम शहीदों ने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया। सैन्य स्कूल किसने बनाया? नेताजी डिफेंस मिनिस्टर, समाजवादी सरकार में बना। हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये सरकार है जो अब जिसको सम्मान देना चाहती है उसके लिए भी कोई काम नहीं करती, केवल नाम बदलती है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, केवल नाम बदलने वाले हैं, इस बार जनता ही इन्हें बदल देगी। मारे गए दो कुटारी बंधुओं से, बंधुओं की बहनें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आप भी अयोध्या जाने वाले, क्या उस बहन से मुलाकात करेंगे? मुझे केस याद नहीं, अखिलेश जी आप मुझे केस याद नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज हम बताते हैं आपको, एक व्यापारी परिवार यहाँ आया था प्रतापगढ़ का मिलने मुखर्जी से, सुरक्षा मांग रहा था, और वो प्रतापगढ़ पहुंचा, उसकी और कई ऐसी बेटियां बहनें आई हैं जिन्हें आत्मदाह तक मुख्यमंत्री आवास में करना पड़ा, तब एफआईआर दर्ज हुई है। कौन नहीं जानता इन बातों को? केवल प्रचार पे चल रही सरकार, छोटे प्रचार पर। मैंने कई मौकों पर कहा कि हिटलर के पास केवल एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे, इस सरकार में तो पूरी सरकार प्रोपोगेंडा पे चल रही है। भगवान परशुराम ना समाजवादी पार्टी के ना बीजेपी के, भगवान परशुराम सबके हैं, और जितने भी भगवान है वो सबके हैं। हमारा भारत देश इसी में तो कामयाब है कि हम हर एक भगवान को मान सकते हैं। और ये सवाल भी पांडे जी कर रहे हैं, उपाध्याय कर रहा है, कैसे आदमी हो आप, अपने लोगों को नहीं पहचान रहे? ये सब हमारे साथ आ गए, ये भी साथ आ गए, आप भी साथ आ गए। ये सब साथ हैं और आप भी साथ हो। भाजपा के हर नेता जो है, छोटा हो या बड़ा, सब आपको लेकर नाम, लेकर नाम ले रहा है आपका, मतलब हमें जिताने जा रहे हैं ना। बहुत धन्यवाद उन लोगों का, वो इसलिए कि हम जीतने जा रहे हैं, जिताने के लिए वो सब नाम ले रहे हैं। नेताजी जब भी सरकार में आए, शिक्षक लोगों की जितनी भी मदद हो सकती थी नेताजी ने की, समाजवादियों को पिछली बार मौका मिला, मुझे मौका मिला, जितनी समस्याओं का समाधान कर सकते थे किया है, और मानदेय तक लेकर के जो भी सुविधा दे सकते थे दिया। ये पढ़ाई को लेकर के पिछली बार भी मेरे पास प्रस्ताव आया था, एक आपके यूपी की यूनिवर्सिटी थी, वो चाहती थी कि बच्चों को अगर मदद हो सके जो विदेश पढ़ना चाहते हैं, मैं आपके सुझाव को कंसिडर करूंगा, और जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास संसाधन नहीं है, अगर वो विदेश में जाकर के पढ़ना चाहेंगे तो ये तीसरा संकल्प हो जाएगा, याद रखना। अगर वो विदेश में पढ़ने जाना चाहेंगे तो सरकार से कोई ना कोई फंड ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे गरीब परिवारों के बच्चे भी विदेश जाकर के पढ़ सके। ये सरकार का ही ट्रांसफर होने जा रहा है, वो सब अधिकारी जानते हैं। जहाँ पर सरकार ने अनदेखी की है, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कई मौकों पर मुझे यहाँ बच्चे मिले हैं, कई विभागों के बच्चे मिले, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले हैं जो इस तरह की शिकायत करते हैं। तो जो संविधान में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिया, जो संविधान का रास्ता है, उसको अपनाया जाएगा। इस बार वो लोग कह रहे हैं कि प्रमोशन में जो आरक्षण की बात करेगा, जो घोषणा पत्र में शामिल करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो आज क्या आप ही घोषणा पत्र बनाने आए हो?
जब समय आएगा तब देखा जाएगा। और उन लोगों को हमने भरोसा दिलाया, उनकी बात पर हम साथ देंगे, वो भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी को पढ़ा लिखा नहीं मानता। नहीं नहीं, कल मैं गोंडा गया था और समाजवादी सरकार में वो 4 लेन सड़क बनी। मुझे याद है कि मैं जब नानपारा वाली सड़क को रामनगर बाराबंकी से और नानपारा तक 4 लेन बनाना चाहता था, उस समय की सरकार ने कहा कि हम स्वीकृत कर चुके हैं सड़क, डबल लेन टेप शोल्डर, अभी 4 लेन नहीं बन सकती। बहुत कोशिश की, 4 लेन के लिए पैसा नहीं दिया, तो मैंने कहा कि अगर आप ये 4 लेन नहीं बना पा रहे तो मैं इसी के आसपास कई 4 लेन बना के दिखाऊंगा। तो बहराइच से सरावस्ती 4 लेन बनी और एक नानपारा ये वाली आपकी जरवल मार्ग जो गोडा को जोड़ता है वो 4 लेन बनी। मैं पहली बार चल करके आया हूं उस पर सड़क पर, जहां पर पेड़ पौधे या अच्छे फूलों के पेड़ लगने थे वहां पर हमें पूरे डिवाइडर पर सांड बैठे दिखाई दिए। जो मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर हो सांड, और 5 साल में सांड को नहीं हटा पाए। इधर आपके चैनलों ने तो कम स्टोरी दिखाई है लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि बीबीसी भी स्टोरी सांड पे कर रही है। तो जो सरकार, जो मुख्यमंत्री दूसरों से पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो बताए सांड कब हटाएंगे डिवाइडरों से। और हमारे पत्रकार साथी अगली बार अपना स्मार्टफोन उनके हाथ में दे देना और कह देना कुछ ट्वीट करके दिखा दो। कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी सबको गले लगा करके, साथ चल करके, कंधे से कंधा मिला करके, सबका सम्मान करके सरकार चलाएगी। और जो लोग कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को कि जिन्होंने ये सवाल उठाया है। इधर जब से कोविड आया है लोगों ने महसूस किया है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतर होना चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। और समाजवादी सरकार थी उस समय कोशिश की गई थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेक्टर में हो, और उसका उदाहरण पेश किया था। जो भी मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश थी, चाहे वो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हो जो आधा अधूरा भी दिखाई दे रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी की सरकार ने कर दिया। आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज था, बहराइच का मेडिकल कॉलेज था, फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज था, शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज था। और मुझे याद है कि डॉक्टर त्रहन जब अपने मेदांता का शिलान्यास करने आए थे उनके साथ बड़े डॉक्टर्स की टीम थी, तो मैंने उनसे कहा कि सरकारी एक कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहा हूं और वो कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपके मेडिकल कॉलेज या आपके अस्पताल से भी बेहतर होगा। और उस समय समाजवादी सरकार ने एक बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके तैयार कर दिया। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर उस समय का देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो वर्ल्ड क्लास बने। लेकिन जब से ये बाबा योगी जी की सरकार आई है ये ध्वस्त कर दिए हैं, ये बर्बाद कर दिए हैं। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ मरोड़ करके सब खराब कर दिया उन्होंने। इधर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता के लिए, गरीबों के लिए और जो गरीब किसान है उसके इलाज के लिए अगर बेहतर और अच्छे से अच्छे मेडिकल अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो उस दिशा में समाजवादी सरकार काम करेगी। न केवल मेडिकल कॉलेज, सस्ती दवाई और एम्बुलेंस का भी इंतजाम करना पड़ेगा तो और बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का इंतजाम भी होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने भी बिजली की दरों में 50% कटौती की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, और मुख्यमंत्री जी कब बिजली के कारखाने का नाम रट करके बताएंगे ये बता दें।
हमारा चुनाव से यही निवेदन और अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पर निगरानी रखें, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति पर कड़ी नजर रखें। मैं उनके कई बिंदुओं से सहमत हूं, क्योंकि जब तक व्यापारियों का और खासकर एमएसएमई वालों का मदद नहीं होगी तो रोजगार और नौकरी कहां मिलेगी। तो स्वार्थ हमारा भी है कि कारखाने उद्योग लगे बड़े बड़े, लेकिन वहीं छोटे कारोबार भी हमारे उत्तर प्रदेश में पनपे आगे बढ़े, तभी जाकर के रोजगार और नौकरी मिलेगी। सर, जानकीपुरम ने एक स्कूल बना था, आपकी गवर्नमेंट में बना था अभ्युदय करके, शायद पूरे लखनऊ में वैसा स्कूल नहीं है क्योंकि वो सरकारी स्कूल है जिसमें अंदर रैंप भी बना हुआ है, बहुत सारे हाईटेक स्कूल है, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो उस तरह का स्कूल और आप बनवाएंगे? वो मॉडल स्कूल थे और क्योंकि एक जगह दो जगह मैंने बनाए थे और मैंने विभाग से कहा था कि इस स्कूल को देख करके अपने मानक को बदल लीजिए और अगर कहीं नए स्कूल बनाने हो प्राइमरी हायर सेकेंडरी तो इन्हीं मानकों को लेकर के स्कूल बनाए जाए, क्योंकि आज अच्छे स्कूलों की जरूरत है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर न हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस स्कूल का आप नाम ले रही हैं अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और किसी प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उससे बेहतर आप उसको पाएंगे। तो ये समाजवादी सरकार की कोशिश थी, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? उस स्कूल को जो बनाया था उस जैसा कोई स्कूल नहीं बनाया उन्होंने प्रदेश में, एक सैन्य स्कूल नहीं दिया। जो बात मैंने यहाँ कहा नाम बदलने वाली सैन्य स्कूल की, मैनपुरी, अच्छा किया मैनपुरी का नाम बदल दिया, कम से कम हमारे मैनपुरी ने वो जगह तो दी वीपी रावत जी को सम्मान देने की। बाबा मुखर्जी ने कुछ बनाया नहीं, कहां सम्मान देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब सम्मान देना था तो हमारे स्टेडियम का नाम बदल दिया। समाजवादी सरकार का ही तो बना हुआ स्टेडियम है जिसका नाम बदला। तो कम से कम हमें खुशी है कि ऐसे बड़े लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वो काम समाजवादियों का है। कौन आ रहा है सपने में? अच्छा अध्यक्ष जी, आपने किस हिसाब से, क्या सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं, आपने उस दिन बताया था कि कृष्ण भगवान निरंतर सपने में आ रहे हैं। नहीं, अगर आप यकीन मानिए जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में है, ये हमारे मान्यता है, बुजुर्गों ने बताया वही मैं करता हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कुछ और याद दिला रहे थे, कंस को याद दिला रहे थे। मैं ढूंढ रहा हूँ हमारे बच्चों के कंस कौन है। अब आपको एक गाना दिखाऊंगा जो आशु मलिक जी ने गाना, कोई सवाल पूछा आपने? अच्छा जी, जिस हिसाब से आपने कहा कि आप जो तो जिन्होंने सवाल किया वो कुछ देर तो बस समझ नहीं पाए जवाब कहाँ चला गया। अध्यक्ष जी, आपने बोला कि आप चिकित्सा को और आगे बढ़ाएंगे, जो एम्बुलेंस कर्मी है 108 एम्बुलेंस कर्मी उनकी भी मदद करेंगे। उन एम्बुलेंस ड्राइवरों से कहिएगा इस भारतीय जनता पार्टी को भरोसा मत करिए, समाजवादी ने एम्बुलेंस चलाई थी, जो सुविधा देनी होगी सुविधा देंगे जिससे कि हमारे गरीबों की वो मदद कर सकें। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि कोरोना के समय पर और कोविड के समय पर जब कोई गरीब को नहीं बैठाना चाहता था अपनी गाड़ी में, परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस समय अगर किसी ने मदद की थी गरीबों की तो यही समाजवादी सरकार में चलने वाली एम्बुलेंस ने लोगों की मदद की थी, इसलिए इन ड्राइवर्स की भी मदद करने का काम उन्हें समाज सरकार ने। हमारे कई कर्मचारी संगठनों से बात हुई है और कर्मचारी संगठनों से मैंने कह दिया उनकी बात में मानूंगा। ये स्वामी महामंदास जी है, मिर्जापुर के रहने वाले हैं, नेताजी से बहुत लगाव रखते थे, पार्टी से बहुत लगाव रखते हैं, हालांकि इनके संबंध बीजेपी में भी है, वो बीजेपी के साथ भी उठते बैठते हैं, तो कुछ हमारी बात वहाँ पहुँचाते हैं कुछ वहाँ की बात हमें बताते हैं। ये स्कॉन के बहुत बड़े स्वामी जी हैं, मैं इनको मानता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ।
जब कभी हमारे पास आते हैं तो हम उनसे अच्छी बातें सुनते हैं। ये मुझे याद है एक टीम, अभी इनकी बात खत्म करना था, स्वामी जी आए थे और जर्मन के वो स्वामी थे, जर्मन के नाम बताइए उनका जो जर्मनी में रहते थे वृंदावन में, जिनको लेके आए थे पुल तोड़ने के लिए, नहीं याद होगा उम्र की वजह से, क्या नाम है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। एनीवे तो जो स्वामी जी एक टीम लेके आए थे स्कॉन के स्वामियों की, और वो चाहते थे कि वृंदावन में अच्छा काम हो, समाजवादी सरकार में जो कर चल रहे काम थे वो मैंने उन्हें बताया कि किसी घाट का शुद्धिकरण चल रहा है और लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट वृंदावन में होगा, उसका काम शुरू किया गया था, बजट दिया गया था और एक ऐसा ब्रिज बन गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, जिसकी वजह से वो जो देखने का वो था विजिबिलिटी थी और वो वहां का नजारे को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो उनकी सबकी ये मांग थी कि वो बनता हुआ ब्रिज तोड़ दिया जाए और नया ब्रिज बने, नया शुद्धिकरण हो। तो समाजवादी सरकार ने वो फैसला लिया, जो बेवजह से वहां पर रास्ता घेर रहा था, ब्रिज को हटाने का काम भी समाजवादियों ने किया, इसका उनके सभी पुजारियों के कहने से। नाम कल है डिक्लेयर हो रहा है, तो बुझा दोगे भाई, क्या आपको लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजी के साथ वो कंपटीशन में रह सके और समाजवादी पार्टी को बीजेपी के टक्कर में आप पहुंच रहे हैं? उसमें हम ये मांग करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ फंड्स दे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, क्योंकि बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मुकाबला नहीं कर सकते, बीजेपी के पास वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज से नहीं है, वो आपके और हमारे चर्चा में है कि सबसे ज्यादा फंडिंग अगर करना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में करना है। तो चुनाव इससे हम ही पॉलिटिकल पार्टीज का ये अपील होगी कि अगर कोई ऐसा कर सके सरकार से फंड्स दें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तैयार तो हों उसके लिए, तैयार तो हों उस लड़ाई के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप को हम कम से कम इक्वल प्लेटफॉर्म तो लिखित क्या ये प्रेस कह दिया ये लिखित हो गया, अब आप भी इस जमाने में लिखित मांगते हो। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। अब वो मशीनें तो बहुत दी थी, एक बीजेपी का नेता रिवॉल्वर लेके चला गया था तो मशीन ही खराब हो गई थी, याद है हमारा। तो समाजवादी सरकार में सिटी स्कैन नहीं हो, एमआरआई मशीन नहीं हो, एम्बुलेंस नहीं हो, दवाइयां आज सोचिए अस्पतालों में दवाई नहीं है, आज गरीब का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, रिफर कर दे रहे प्राइवेट की तरफ भेज रहे, कोई भी जिला अस्पताल में आज ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, दवाइयां नहीं है, ये कैसी सरकार है जो गरीबों को दवाई नहीं दे पा रही है? ये मुद्दे की बात है, ये पत्रकार पहली बार आया है इस प्रेस में। अच्छा ठीक है, जो आपके सुझाव हो जरूर दीजिए, जो हो सकते वो करे जाएंगे, जो कहोगे करेंगे। नहीं ये तो पहले कह चुके कंटिन्यूटी में है। और नहीं लेकिन उनकी सरकार अभी योगी जी की सरकार में अभी तक इस बात पे कोई नहीं, कई बार संगठन ने कहा भी आपकी सरकार अगर आएगी इसको लागू करेंगे पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, ये अभी घोषणा पत्र हमें लिख रहे हैं तब बाद में बात करेंगे, आप लिख कर ही दे दो हमें, हमने तो समय भी मांगा था मिलने के लिए, तो अभी आपने कह दिया आप लिख कर दे देना। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, योगी जी कह रहे किसानों का आधा बिजली का बिल माफ कर दो। समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए फ्री सिंचाई के लिए कहा है, किसानों की सिंचाई फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी किसानों की, किसान ने थप्पड़ दे दिया आपको, ये बीजेपी के लोग बहुत कूटे जा रहे हैं, ये जनता नाराज है क्योंकि इन्होंने बहुत वादे किए थे किसानों से, किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसी भी फसल की कीमत नहीं सरकार दे पाई, किसान को खाद नहीं मिली, किसान
भटकता रहा, खाद नहीं उपलब्ध करा पाए, बीज उपलब्ध नहीं करा पाए, डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाए, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रहे, गन्ने का अभी भी बकाया है और उन्हीं किसानों पर मीटर लगवा दिए बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। जब कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो किसान कैसे खुशहाल होगा? इसीलिए वो किसान नाराज होकर के सम्मान देने गया था बिराजी जी को। सूचना विभाग में जो काम होते हैं वो सरकार की उपलब्धियों के प्रचार होते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो पॉलिटिकल लाभ ले रही है उन प्रचारों से। ऐसे दोषी अधिकारी जो सुझाव और राय दे रहे हैं और ऐसी कंपनियां जिन्होंने एड बनाए हैं उन पे कार्रवाई हो। ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में हम नहीं होंगे, फिजिकल वोटिंग चाहे हमें दूर दो दिन वोटिंग करा ले, दो दिन वोटिंग करा ले, अगर मशीन में डर है कि हम ग्लव्स नहीं दे पाएंगे तो बैलेट वोटेड करा ले। जब बैलेट कुछ उम्र के बाद के लिए अलाउ कर रहे हैं आप और विकलांग के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं, हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। वोट डालेंगे हम सब। मैंने देखा नहीं चुनाव, देखा नहीं मैंने किस तरह किया होगा। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव तो देखा था, इन्होंने बेईमानी की, लूट की और महिलाओं को अपमानित किए, कपड़े खाए। ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता इनको सबक सिखाएगी। बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों का और हम अपने डिजिटल टीम के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। अरे बैठ जाओ।